हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके पीछे हम लोगों ने लिविंग वर्ड डिस्कस कर लिया था। आज हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनके क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बात और करनी है कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, कैसे थ्री किंगडम, कैसे फोर किंगडम, कैसे फाइव, कैसे सिक्स, सेवन और एट तो आपके सिलेबस में है नहीं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यस, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभ्यता जब हुई तो उसके बाद कई अटेम्प्ट किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए सिविलाइजेशन के साथ साथ। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, बट बॉर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज, फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। देखिए, आज जब क्लासिफिकेशन की शुरुआत स्टार्टिंग में हुई तो वो साइंटिफिक बेस नहीं था कोई, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो यूज करता था फूड, शेल्टर या क्लॉथ, उस आधार पे बात करी गई क्लासिफिकेशन की एकदम शुरुआत में, एकदम स्टार्टिंग में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां से हमारे काम की बात है उसकी बात करते हैं। एरिस्टोटल, अरस्तु साहब, वॉज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अरस्तु साहब, एरिस्टोटल साहब ने सबसे पहले, अरस्तु जी ने सबसे पहले स्टार्टिंग करी क्लासिफिकेशन की, जो कि साइंटिफिक आधार था। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उन्होंने साधारण शारीरिक संरचना या आकार, जो मतलब जो मॉर्फोलॉजी होती है उसके बारे में बात करी, और जिसमें प्लांट को क्लासिफाई किया ट्री में, पेड़ में, श्रब्स में जो झाड़ीदार पेड़ हैं, और जो हर्ब्स जो बहुत ही छोटे होते हैं। अगर मैं छोटी सी डिफरेंस बताऊं, हर्ब सर्व और ट्री में सिक्स क्लास के एनसीईआरटी में ये बात लिखी है कि अगर किसी भी प्लांट को, किसी भी पौधे को ब्लेड से आप काट पाएं, ब्लेड समझते हैं ना, उससे काट पाएं तो वो हर्ब है, कैंची से काट पाएं तो वो सर्व है, और आरी से काट पाएं तो वो ट्री है। बड़ा छोटा सा हंसने वाली बात भी इसमें है। तो ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इंटू टू ग्रुप्स। तो प्लांट को अरस्तु साहब ने मॉर्फोलॉजी के आधार पे, वो बहुत बड़ा है तो ट्री, थोड़ा झाड़ीदार है तो श्रब, और छोटा है तो हर्ब्स में डिवाइड किया। और एनिमल को उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, दोज विच हैड रेड ब्लड सेल। कुछ को डिवाइड किया जिनमें रेड ब्लड सेल्स थी, और कुछ को डिवाइड किया जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं थी। एरिस्टोटल को हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि एनिमल्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज द एनिमा एंड सेकेंड इज द एनेमा। मतलब क्या हुआ इसका, ध्यान से बात को समझते। जिसमें, एक सेकेंड, वो लोग बच्चों, वो लोग वो प्लांट जिनमें आरबीसी थी, रेड ब्लड्स थी, उन्हें एनेमा नाम दिया, और जिनमें आरबीसी अपसेंट थी उन एनिमल को, सॉरी, उन एनिमल को एनेमा नाम दिया, यानी डिड नॉट, जिनमें नहीं है उन्हें कहा एनेमा, और जिनमें है उन्हें नाम दिया एनेमा। ये आप नोट करो। एंड प्लांट को डिवाइड किया तीन पार्ट में, हर्ब्स में डिवाइड किया, श्रब्स में डिवाइड किया, और ट्री में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। उनकी शक्ल को देख के, उनकी साइज को देख के, उनके मॉर्फोलॉजी को देख के डिवाइड किया। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है किंगडम मोनेरा, हमें पढ़ना है किंगडम मोनेरा, हमें पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, वायरॉइड्स, वायरसेस, लाइकेंस, सब कुछ पढ़ना है माय डियर। तो हम आगे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट आज तो क्लासिफिकेशन पे पूरी बात पहले होगी, इन सारे किंगडम के बारे में बात होगी। इस चैप्टर में हम तीन किंगडम की डिटेलिंग करेंगे, मैं आपको अभी क्लियर कर दूं। इस चैप्टर में तीन किंगडम की, मोनेरा पढ़ा जाएगा डिटेल में, प्रोटिस्टा पढ़ा जाएगा, फंजाई और किंगडम प्लांटी के लिए चैप्टर नंबर तीन, और किंगडम एनिमालिया के लिए चैप्टर नंबर चार। डिटेल में उस दोनों चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो पांच किंगडम बेसिकली हमको पढ़ना है, तीन इसमें, दो आगे। आइए अरस्तु साहब के बाद की आगे की कहानी। उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम आता है, दिस इज कैरोलस लेनियस साहब। लीनियस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमालिया। लीनियस साहब के समय में एक, उन्होंने ही दिया था फिलहाल, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया वो लीनियस साहब की बात थी। तो एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमालिया। क्या था? एनिमालिया। जितने सेलवॉल
वाले लोग थे जो भोजन बना ले रहे थे, जनरली सेल वॉल वाले लोग थे, वो सब प्लांट में चले गए, और जो नॉन सेल वॉल वाले थे जिनमें सेल वॉल नहीं थी, जनरली बात कर रहा हूं, उनको सबको उठा के एनिमालिया में डाल दिया। वॉज डेवलप दैट ऑल इंक्लूडेड प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, यानी एनिमालिया में क्या रखे गए, सारे के सारे एनिमल रखे गए, नाम से जाहिर है। प्लांटी में सारे के सारे क्या रखे गए, प्लांट। ध्यान से सुने मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात करने चल रहा हूं। यस, लेकिन गलतियां बहुत थी, तीन गलतियों को मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। इन गलतियों को बाद में सुधारा भी गया। दिस सिस्टम, ये सिस्टम का ड्रॉबैक है, नोट कर लीजिएगा, आ सकता है लीनियर साहब की क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक है ये। क्या? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये सिस्टम ये नहीं बता पाया कि कौन यूकैरियोट है और कौन प्रोकैरियोट है, यानी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सबको एक साथ रख दिया गया। बच्चों एक सेकेंड, ये सिस्टम, ये जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, जो कमियां होती हैं, कमियां क्या थी, ये सिस्टम ये नहीं बता पाया कि सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। ये सिस्टम ये नहीं क्लियर कर पाया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। सबको एक ही साथ रख दिया गया, यानी एक कमी ये थी कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में अंतर नहीं कर पाए, नहीं बताया उन्होंने शुरुआत में, गलतियां थी। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, उसको भी एक ही साथ प्लांट में रख दिया, तो फोटोसिंथेटिक को भी रख दिया और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक ही साथ रख दिया। ये तीन मेजर कमियां थी, बाद में इन एक एक कमी को दूर किया गया और नए किंगडम जोड़े गए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये शुरुआत की बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से किया गया और समझने में आसान भी था। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरी, बहुत से लोग थे जो किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाए। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इन एडुकेट। दो किंगडम क्लासिफिकेशन जो लंबे समय तक यूज किया गया, यह पाया गया कि वो पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। इन एडुकेट मतलब अपर्याप्त। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ए नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद यह बात समझ आई कि मॉर्फोलॉजी के अलावा, बिसाइड्स मॉर्फोलॉजी, और भी करेक्टर को इंक्लूड किया जाना चाहिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि नेचर ऑफ वॉल को इंक्लूड किया जाना चाहिए कि सेल वॉल का नेचर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इंक्लूड किया जाना चाहिए, हैबिटेट को, आवास को इंक्लूड किया जाना चाहिए, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाना चाहिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये पूरी कहानी आज तक की कह रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन शुरुआत में दिया गया था, इसके अलावा बहुत से और करेक्टर जरूरी हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे सेल स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे इवोल्यूशन के बारे में, है ना, और भी बहुत सी चीज़ें एक एक करके जो लिखी हैं, सेल वॉल के नेचर के बारे में सारी जानकारी हो तो फिर और अच्छा क्लासिफिकेशन बन सकता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस, क्लासिफिकेशन सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसलिए अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, समय के साथ काफी परिवर्तन होता गया। दो, यद्यपि प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कॉन्स्टेंट, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम, ध्यान से सुने, समय के साथ काफी चेंजेस आए ओवर टाइम, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम कांस्टेंट रहा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, कोई भी सिस्टम आया हो, थ्री किंगडम रहा हो, फोर किंगडम रहा हो, फाइव किंगडम हो, कभी भी प्लांट एनिमल में कोई भी फेरबदल नहीं करी गई। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग, समय के साथ बदलता गया। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर ए टाइम, समय के साथ अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग प्लांट का, अलग अलग एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया और अलग अलग साइंटिस्ट ने समय के साथ किया।
देखिए घुमा फिरा के बात सीधी सीधी ये बोलनी है यहाँ पे कि इतने पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ का मतलब ये निकल के आया कि कभी भी एनिमालिया और प्लांटी ये दो किंगडम खत्म नहीं हुआ, जो भी आया वो नया जुड़ा। इवन मैं आपको अगर सीधी सीधी बात बताऊं तो इन्हीं तीन कमियों को दूर करने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे सबसे पहली गलती जो इन्होंने करी थी वो सही किया गया, क्या? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया गया। तो सबसे पहली गलती को दूर किया। और एक बात सुनिएगा, जो यहां पे गलतियां हैं उनको भी आप समझें कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कब आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कब आया, इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आप हमारी बात समझिए। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हेकल साहब ने दिया, जिसमें प्रोटिस्टा इंक्लूड किया गया, जिसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया। किसको रखा गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया। पहले पीछे गलती हो गई थी जो यूनिसेलुलर को और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया गया था। तो यहां पे ब्लंडर मिस्टेक जो हो गई थी उसको सही किया, और ब्लंडर जो हो गया था सॉरी जो ब्लंडर हो गया था उसको सही किया और नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया प्रोटिस्टा। यहां पे सारे के सारे यूनिसेलर को अर्नेस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया और सारे के सारे यूनिसेलर को उठा के रख दिया। फिर उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। गलती एक और थी, क्या? प्रोकैरियोट को और यूकैरियोट को साथ रखा था। उस गलती को कोपलैंड साहब ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देके दूर किया। दिस इज कॉल्ड मोनेरा। और मोनेरा में यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रखा। क्लियर? एग्जैक्ट डिटेलिंग अभी हम बात करेंगे। तो कहा ना कि समय के साथ क्लासिफिकेशन बदलते रहे, संख्या बदलती रही, अलग अलग साइंटिस्ट काम करते रहे और नए नए क्लासिफिकेशन देते रहे। तो यस, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हमारी एनसीईआरटी ने सीधे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे हमसे बात करी है और हम उनके बात से संतुष्ट भी हैं। यह होना भी चाहिए था, ठीक है ना? बात आप समझ रहे हैं ना? तो हमने थ्री किंगडम बताया आपको, अर्नेस्ट हेकेल ने दिया, एक गलती को सही किया, यूनिसेलुलर को लाके सारे के सारे प्रोटिस्टा में रखा। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया तो प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रख दिया गया और मोनेरा में कोपलैंड साहब ने जो दिया था मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को लाके पुट कर दिया गया। क्लियर बात? अब उसके बाद पांचवा किंगडम क्लासिफिकेशन आया, वो किसने दिया? आरएच फिटेकर साहब ने दिया 1969 में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और पांचवा किंगडम यहां ऐड हुआ, फंजाई। कौन सा? फंजाई। ये क्या था? तीसरी गलती जो थी कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया गया था, तो तीसरी गलती में फंजाई को डाला गया। फंजाई यानी तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम कौन सा? प्रोटिस्टा। बोलो बच्चों, प्रोटिस्टा। चौथा किंगडम कौन सा? मोनेरा। और पांचवा किंगडम कौन सा? फाइव किंगडम कौन सा? फंजाई। कौन सा? फंजाई। ये किसने दिया? आरएच फिटेकर साहब ने दिया। ये पांचवा किंगडम जो आया फंजाई, ये आरएच फिटेकर साहब ने दिया। इनके क्राइटेरियाज अलग थे, याद रखिएगा। आरएच फिटेकर 1969, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। करेक्टर क्या लिया? बेहद इंपॉर्टेंट बात, क्या क्राइटेरिया था इनका? मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, क्या क्या क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया पे बात करते हैं। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, और रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, मतलब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मामला आया है, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेटिक है या हेटरोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन क्या 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 मोड है, रिप्रोडक्शन मोड नहीं सॉरी रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, और साथ ही साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इकोलॉजिकल नहीं, इवोल्यूशनरी। फाइलोजेनेटिक वर्ड जो होता है ये इवोल्यूशनरी के आधार पर होता है। ये चार पैरामीटर हैं, इसी को आधार पर रखा गया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस आधार पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने? आंसर प्लीज, आर एच फिटेकर ने। आइए थोड़ी डिटेलिंग करते हैं।
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटेकर 1969. सेल टाइप पांचों किंगडम, किंगडम नंबर वन, किंगडम नंबर टू, किंगडम नंबर तीन, किंगडम नंबर चार एंड किंगडम नंबर पांच. एक बात क्लियर कर दूं दोबारा, प्लांटी और एनिमालिया कभी बदला नहीं. थ्री किंगडम होगा तो वहां भी प्लांटी एनिमालिया और प्रोटिस्टा है. टू किंगडम में प्लांटी और एनिमालिया है. फोर किंगडम में प्लांटी एनिमालिया प्रोटिस्टा और मोनेरा है. और फाइव किंगडम में प्लांटी एनिमालिया फंजाई प्रोटिस्टा और मोनेरा है. क्लियर. सेल टाइप यानी सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर में मोनेरा आपका प्रोकैरियोट है, बाकी सारे किंगडम यूकैरियोट है. यानी सब में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है. क्या? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस जिसमें होता है उसे यूकैरियोट कहते हैं. सेल वॉल इसमें नॉन सेलुलोजिक है, पॉलीसेक्राइड या अमीनो एसिड के बनी होती है. प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम का क्या मतलब है? जो प्लांट ओरिजिन के होंगे उनमें होगी और जो एनिमल ओरिजिन के होंगे उनमें नहीं होगी. फंज क्योंकि प्रोटिस्टा से ही तो तीनों बनेंगे कल को, याद रखिएगा ना, इसीलिए मैंने नाम लिया. फंजाई की जो सेलवॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, प्लांट की सेलवॉल सेलुलोज की बनी होती है, एनिमालिया में सेलवॉल नहीं होती. तो मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, फंजाई में काइटिन की और प्लांट में सेलुलोजिक, एनिमालिया में नहीं. क्लियर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब आपको मैंने पीछे पढ़ाया था कि अगर प्रोकैरियोट होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, बाकी हर जगह आपको मिलने वाला है. बात आप समझ रहे हैं ना? तो यस, इन पूरी बातों को समझिए, चीजें क्लियर होंगी. तो प्रोटिस्टा में आपको मिलेगा क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फंजाई में आपको नहीं मिलेगा, प्लांटी में नहीं मिलेगा, एनिमालिया में नहीं मिलेगा. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा की बॉडी सेलुलर थी, इसमें सेल्स होती हैं क्योंकि ये एक ही सेल का है ना. प्रोटिस्टा की बॉडी भी सेलुलर है क्योंकि इसमें एक ही सेल है. फंजाई में मल्टी सेलर है और लूज टिश्यू है, बहुत ही कॉम्पैक्ट नहीं है. हाइफी और माइशिलियम आपने पढ़ा होगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं हाइफी और माइशिलियम. ये जो धागे जैसी संरचना एक एक है, दिस इज हाइफी, और पूरा जाल जैसी संरचना बन जाती है. कभी ब्रेड वगैरह पे फंजाई लगा हुआ देखा हो तो आपको ये बात दिखी होगी. बात समझ पा रहे ना? प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन लेवल सिस्टम होता है, एनिमालिया में टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम सब होता है क्योंकि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, आप ये बात जानते भी होंगे. क्लियर, ठीक है, अच्छी बात है. एक एक करके पूरी बात पूरी करी जाएगी. ओके बच्चों, चलो. तो ये चार ऊपर हो गया. अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, मतलब भोजन अपना खुद बनाते हैं. कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके, या फोटोसिंथेटिक या लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके. हेटरोट्रॉफिक अपना भोजन नहीं भी बना सकते हैं, जैसे सेप्रोफिटिक सड़ी गली चीजों को खाएंगे, या पैरासिटिक या किसी के ऊपर आश्रित होकर खाएंगे. भैया मोनेरा में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी. इसका क्या मतलब है? सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन का तरीका है इसमें. ऑटोट्रॉफिक भी हैं, और ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक भी और फोटोसिंथेटिक भी, यानी केमिकल एनर्जी से भी भोजन बनाएंगे और लाइट एनर्जी से भी बनाएंगे. हेटरोट्रॉफिक भी हैं, अपना भोजन नहीं भी बना सकते हैं. सेप्रोफिटिक भी हैं और पैरासिटिक भी हैं. अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है ये, और हेटरोट्रॉफिक हो सकता है. अगर ऑटोट्रॉफिक होगा तो फोटोसिंथेटिक होगा. हेटरोट्रॉफिक हो सकता है किसी प्लांट से अपना भोजन ले रहा हो. फंजाई ये कभी भी अपना भोजन नहीं बनाता, ये हेटरोट्रॉफिक होता है, या तो सड़ी गली चीजों से भोजन लेगा या तो पैरासिटिक होगा. प्लांटी ये अपना भोजन बनाते हैं. हेटरोट्रॉफिक यानी कि एनिमालिया, जिसमें हम लोग भी आते हैं, हम लोग मतलब कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होलोजोइक. और एक आता है सेप्रोफिटिक, प्लांट लाइक सड़ी गली चीजों से प्लांट मतलब न्यूट्रिशन लेना, सेप्रोफिटिक होंगे, सेप्रोबायोटिक भी आप कह सकते हैं. तो ये पांचों किंगडम हो गए, सबके करेक्टर के बारे में बात हो गई. सेल टाइप कैसे है, तो मोनेरा को छोड़ के बाकी सब यूकैरियोट, मोनेरा प्रोकैरियोट. सेल वॉल मोनेरा की नॉन सेलुलोजिक, प्रोटिस्टा में है कुछ में, फंजाई की काइटिन की, प्लांटी में सेलुलोज, एनिमालिया में होता नहीं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है क्योंकि बाकी सब यूकैरियोट है. मोनेरा की बॉडी सेलुलर, प्रोटिस्टा की बॉडी सेलुलर, फंजाई की बॉडी मल्टीसेलुलर, प्लांटी की बॉडी टिश्यू या ऑर्गन, और एनिमालिया की बॉडी ऑर्गन सिस्टम टिश्यू या ऑर्गन लेवल. मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द मोनेरा. ऑटोट्रॉफिक,
कीमोसंथेटिक केमिकल एनर्जी से भोजन बनाएंगे, फोटोसंथेटिक लाइट एनर्जी से भोजन बनाएंगे, हेटरोट्रॉफिक सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक दोनों होते हैं, सड़ी गली चीज़ों से ऑप्टेन करेंगे या पैरासिटिक किसी के ऊपर इक्टो पैरासाइट या इंडो पैरासाइट होंगे और वहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसंथेटिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो प्लांट अपना भोजन जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। फंजाई में भी हमने आपसे बात पूरी कर ली और फंजाई में मैंने आपसे कहा ये हेटरोट्रॉफिक है, ये अपना भोजन कभी नहीं बना पाता। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। एनिमालिया अपना भोजन नहीं बना पाते, ये एनिमल हैं और ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन करते हैं, सप्रोफिटिक भी कर सकते हैं और प्लांट के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। तो ये हमारा पांच किंगडम हुआ और पांचवा किंगडम इंट्रोड्यूस किया फंजाई को, किसने? आरएच विटेकर ने। कई करेक्टर लिए गए, इतने करेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये पांचों किंगडम बनाए गए थे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। नाउ आगे की बात करते हैं। थ्री डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन सिस्टम किसने दिया? कार्ल लुईस साहब ने दिया। किसने दिया? कार्ल लुईस साहब ने, याद रखिएगा। हैज आल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन। मोनेरा को, किंगडम मोनेरा को इन्होंने दो डोमेन में डिवाइड किया, एक बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया कह लीजिए और दूसरा आर्किया। तो एक डोमेन आर्किया, दूसरा डोमेन बैक्टीरिया और तीसरा डोमेन यूकेरिया। यू कैरिया, कौन सा? यू कैरिया। अब बात को समझिए, आर्किया में कौन आएगा? आर्किया बैक्टीरिया। एक किंगडम ये बना दिया, बैक्टीरिया इसमें कौन आएगा? यू बैक्टीरिया। एक किंगडम ये हो गया, एक किंगडम ये हो गया और चार किंगडम इसमें हो गए। कौन कौन से? फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमालिया और प्लांटी, चार ये हो गए। तो चार और दो छह, यानी कि लिविंग रिमेनिंग यूकैरियोट किंगडम इनको छोड़ दिया इन द थर्ड डोमेन, यानी कि यूकैरियोट को थर्ड डोमेन में डाल दिया, जिस नोन एज यूकैरिया, और बाकी आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया में आर्की बैक्टीरिया किंगडम और बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया किंगडम। क्लियर? तो भैया टोटल आप असल में लिखा नहीं होता तो टोटल जोड़ने में दिक्कत होती है। तो एक किंगडम ये, एक किंगडम ये और चार नीचे वाले, टोटल कितने हो गए? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन द हायर क्लासेस, कोई बात नहीं। थ्री डोमेन सिस्टम में तीन डोमेन है, मोनेरा सॉरी आर्किया बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया में आर्की बैक्टीरिया किंगडम रखा गया, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया किंगडम और यूकेरिया में चार किंगडम, फंजाई प्रोटिस्टा यू एनिमालिया और प्लांटी। टोटल सिक्स किंगडम आपको देखना चाहिए। दिया किसने? कार्ल लुईस ने दिया। कार्ल लुईस ने कितना कितना किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। कितने डोमेन में बांटा इसको? तीन डोमेन, दो डोमेन मोनेरा से बना और एक डोमेन यूकेरिया से बना। मेरी बात यहां क्लियर हो जानी चाहिए। पूरी बात अगर स्पष्ट हो गई हो तो याद रखिएगा थ्री डोमेन गिवन बाई कार्ल लुईस। यहां पर तीन डोमेन थे, तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। सिक्स किंगडम कैसे जुड़ा? तो चार किंगडम किसका हुआ? यूकेरिया से आया और दो किंगडम पीछे से आया, एक आर्किया से, आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया। ठीक है ना? ये आपके सिक्स किंगडम हो गए। इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा यहां पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे थोड़ी बात और। लेट अस लुक एट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आइए थोड़ा सा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे और नजर डालते हैं। लेट अस लुक एट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम included bacteria, blue green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and angiosperm in the plant. सबको जो शुरुआत के क्लासिफिकेशन थे, यह बात हमने अभी आपको पीछे बताई थी, उसी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, सबको एक ही साथ रखा था। द करेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम दैट ऑर्गेनिज्म हैज हैव द शेल वॉल। यहां से धीरे धीरे कुछ लोगों को निकाला जाएगा। तो शुरुआत में सबको जो रखा था उसका रीजन क्या था? सेल वॉल। एकदम शुरुआत में दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन द करेक्टरिस्टिक्स। ये बिल्कुल अलग अलग थे फिर भी रख दिया।
इट ब्रॉट टूगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोटिक। भाई ये शुरुआत की, यानी यही तो था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रखा गया था। इसको कब दूर किया गया? बाद में इन दोनों को मोनेरा में रख दिया गया। यह बात अभी सीख लो। यही मोनेरा में बाद में किसको रख दिया गया? बैक्टीरिया को रख दिया गया, आगे पढ़ाऊंगा मैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया गया। याद कर लो तो और अच्छी बात है। पहले बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को कहां रखा था? प्लांट में रखा था। कल को कोई पूछ सकता है आपसे, यह एक गलती थी, इसको बाद में सही किया गया। ठीक है, आगे आगे समझिए ध्यान से। इट और आगे बात करें अगर, इट आल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर वंस, जैसे कि क्लेमेडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। भाई सिंगल सेल और मल्टी सेल को एक साथ रख दिया गया। पीछे मैंने आपसे बताया था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया गया। इस गलती को भी बाद में दूर किया गया है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को जब एक साथ रख दिया गया तो बाद में यूनिसेलुलर को उठा के कुछ को प्रोटिस्टा में और कुछ को मोनेरा में डाला गया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रुप ग्रीन प्लांट। तो बाद में फंजाई का एक नया किंगडम बनाया गया। दो दे आल्सो सो दैट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन देयर वॉल कंपोजिशन। भाई जैसे फंजाई के पास काइटिन है, पीछे मैं सब बता चुका हूं आपको, दोबारा बता रहा हूं। इन देयर वॉल एंड ग्रीन प्लांट हैव द सेलुलोजिक सेल वॉल। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर, जब इन सारी बातों का ध्यान दिया गया तो फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम नोन एज किंगडम फंजाई। क्यों रखा गया किंगडम फंजाई? क्यों रखा गया भैया? क्योंकि फंजाई भोजन नहीं बना पाता था, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता था, लेकिन प्लांट में था, गलती थी। और इनकी सेलवॉल भी सेलुलोजिक नहीं थी, इनकी सेलवॉल क्या थी? काइटिन की। इसलिए नया कलर किंगडम बना दिया गया। ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म आर वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर मोनेरा। सारे के सारे प्रोकैरियोट को किसमें रख दिया गया? मोनेरा में। एक गलती ये सही की करी गई। फंजाई में रखा गया, ये गलती पीछे बता चुका हूं, सही किया गया। एंड यूनिसेलर यूकैरियोट को कहां रखा गया? प्रोटिस्टा में, ये भी सही किया गया। तो जो जो कमियां थी उनको एक बार दोबारा मैंने आपको बताया और बता भी दिया कि ये सब सही किया जा चुका है। अब आगे इन बातों पे और बात होगी, वो क्या? किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टूगेदर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। AIPMT 2012 में मेंस में ये सवाल आ चुका है। क्या? किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमेडोमोनास एंड क्लोरेला, जो कि पहले एल्गी में रखा गया था प्लांट के साथ, एंड बोथ सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल थी, पैरामीशियम और अमीबा, यानी कि आज के रेट में प्रोटिस्टा में क्लेमेडोमोनास को रखा जा चुका है, क्लोरेला को रखा जा चुका है, पैरामीशियम को रखा जा चुका है, अमीबा को रखा जा चुका है। अमीबा पैरामीशियम को पहले एनिमल में और क्लेमेडोमोनास और क्लोरेला को पहले प्लांट में रखा गया था। तो अब इनको सबको उठा के रख दिया गया है किसमें? प्रोटिस्टा में। यह सवाल याद होना चाहिए। पैरामीशियम, अमीबा, क्लोरेला और क्लेमेडोमोनास अब प्रोटिस्टा में रखा गया है। जो पहले किसमें था? पैरामीशियम और अमीबा एनिमल किंगडम में था क्योंकि इसमें सेलवॉल नहीं थी, और क्लेमेडोमोनास और क्लोरेला प्लांट में था क्योंकि इनमें सेलवॉल थी, बट ये चूंकि सब सिंगल सेल के हैं इसलिए इनको अब कहां रख दिया गया? उठा के प्रोटिस्टा में। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, जिनको पहले अलग अलग किंगडम में रखा गया उनको अब एक ही किंगडम में रखा गया। क्यों? अब इनको प्रोटिस्टा में क्लेमेडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा, इन सबको एक ही किंगडम में क्यों रख दिया गया? क्यों? क्योंकि दिस हैपेंस बिकॉज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। अब क्राइटेरिया बदल गया। पहले क्राइटेरिया था सेलवॉल हो तो रख दो, ना हो तो हटा लो। अब यह है कि ये सिंगल सेल के हों, यूकैरियोट हों, तो इनको प्रोटिस्टा में रखो। अगर ये कुछ और है तो फिर देखा जाएगा। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टू, डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस प्रकार का परिवर्तन भविष्य में भी किया जाएगा
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, जिससे कि हम करेक्टर को समझ पाए। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। भविष्य में इस प्रकार के चेंजेस किए जाएंगे, ना कि मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को ध्यान में रखते हुए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए भी। वैसे आपको मैं बता दूं कि आज के डेट में 7 किंगडम और 8 किंगडम का क्लासिफिकेशन भी आ चुका है, जिसको कैविलर एंड स्मिथ ने दिया है, जो आपको नहीं जानना। आपके सिलेबस में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ही है, इससे ज्यादा पढ़ने को आपकी जरूरत नहीं है। जितनी बातें मैंने आज करी हैं, इसी से सवाल आएगा। इन्हीं बातों को समझ के प्लीज एक बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जरूर लगाएं, जिससे कि बात आपको कुछ समझ में आए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी किंगडम मोनेरा, डिटेल में बात होगी। मोनेरा में किसको रखा गया है? सिंगल सेल प्रोकैरियोट, डिटेल में बात होगी। प्रोटिस्टा, इसमें किसको रखा गया है? सिंगल सेल यूकैरियोट, डिटेल में बात होगी। किंगडम फंजाई, डिटेल में बात होगी। ऑफ व्हिटेकर सिस्टम, यानी व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के मोनेरा के बारे में बात होगी, प्रोटिस्टा के और फंजाई के। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमालिया कॉमनली रिफर्स टू प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली विल बी डील्ड सेपरेटली इन द चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो ये पूरी कहानी हुई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन की, कार्ल वीज के क्लासिफिकेशन की, 2 किंगडम लिनियस, 3 किंगडम हैकल, 4 किंगडम कोपलैंड, 5 किंगडम विटेकर, 6 किंगडम किसने दिया? कार्ल वीज। 7 किंगडम कैविलर स्मिथ, 8 किंगडम कैविलर स्मिथ, जो कि नहीं पढ़ना है, सिर्फ सुन के रह जाना है। कुछ चीजें तो ऐसी बताऊंगा ही कि जो आप सुन के छोड़ दें। यस, इसके बाद किंगडम मोनेरा आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई आएगा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू।